हेलो वर्गोस। ओके, सो अगर आपकी मैं कहूँगी वर्गो हो, या हिंदी में जिसे हम कहते हैं कन्या राशि हो, और इस वीडियो को देख रहे हो, सो मोस्ट वेलकम। यहाँ पर देखो, आपकी राशि के अकॉर्डिंगली एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जीज कैसी चल रही हैं इस वीक में। सबसे पहली चीज़, आपके लगन लॉर्ड मर्क्यूरी बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट पर चल रहे हैं, फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जितने भी लोग अपने बिजनेस सक्सेस, करियर सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हो, कोई स्पेशल काम इवेंट है इस वीक में, भैया अच्छा है, बेनिफिशियल रहेगा। पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था ट्रांजिट आप लोग के लिए फेवरेबल चल रहे हैं। वर्गो राशि वालों, आप जो भी मेहनत करोगे, जिस भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको उसमें अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। हैव फेथ एंड पेशेंस। ओके वर्गोस, तो काम आपके बढ़िया बनने वाले हैं। कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी परचेज, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये वीक आप लोग के लिए अच्छा है। शादी की बातचीत घर पे चल सकती है, शादी के योग बनते हुए आप लोग के लिए दिख रहे हैं, सो अच्छा ट्रांसिट माना जाएगा। एक और चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है इस वीक में, वो है अगर आपके पैसे को लेकर के आपको लग रहा है थोड़े से ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो मैं कहूँगी चिंता मत करना, क्योंकि अगर आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो उससे कहीं ज़्यादा पैसा भी आप लोग के पास में आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा भाई पैसा आता है लेकिन खर्च हो जाता है, लेकिन टेंशन मत लो, ध्यान से अगर थोड़ी मैनेजमेंट करोगे तो ऐसा नहीं कि एकदम ही लॉस में आप जाते रहोगे। भगवान कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस स्टेज पे भी रखेगा। मेरे को ओवर एक्सपेंसेस या इतने एक्सपेंसेस और ऊपर से इनकम ना आके इम्बैलेंस हो रहा हो, ऐसा नहीं होने वाला है वर्गोस, तो उसके लिए आप रिलैक्स रहिएगा। गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, ये वीक बहुत अच्छा है। अब्रॉड जाने के योग बनते हुए दिख रहे हैं, जितने भी लोग अब्रॉड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा अब्रॉड जाने के लिए। तो ये कुछ पॉजिटिव ट्रांजिट्स आप लोग के लिए बनते हुए दिख रहे हैं वर्गो, जो आप लोग के लिए हेल्प होगी एंड आपको राइट गाइडेंस उसमें मिल जाएगी। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जितने भी लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, आप लोग के लिए डिफ़िकल्टी रहेगी, स्ट्रगल, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके वो काम बनेगा, लेकिन बन ज़रूर जाएगा, उसकी चिंता मत करना, लेकिन मेहनत बहुत है, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान देना है। अदरवाइज टाइम पीरियड ऑलमोस्ट ये वीक फेवरेबल है, मुझे कुछ न्यू प्रॉब्लम्स आती हुई नहीं दिख रही हैं। लव रोमांस में भी हीलिंग रहेगी, इम्प्रूवमेंट, रिकन्सिलेशन के योग इस वीक में है। कम्युनिकेशन हो सकती है आपके पार्टनर से, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट बेस्ट और बढ़िया बात यह है कि करियर वाइज सबसे अच्छी प्लेसमेंट बनी हुई है, करियर में काफ़ी अच्छी सक्सेस आती हुई दिख रही है। अब चलिए आगे टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं, क्या टैरो कार्ड कुछ स्पेशल मैसेजेस दे रहे हैं आपको, तो हम और कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड आया है, द किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये बहुत ही शुभ कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। जैसा कि मैं कह रही थी, करियर के लिए बहुत अच्छा वीक है। करियर में खूब मेहनत करो, खूब हार्डवर्क करो, जो भी आपका गोल है ड्रीम है उसके ऊपर राइट इट डाउन, एंड अपने एम्बिशंस के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर ज़रूर काम करो। अच्छी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं वो गोल्स, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को गवाइए मत। फोकस अपना करियर, अपना काम पे रखिए, आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा। अच्छी सक्सेस भी आती हुई दिख रही है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड, गुड एस्ट्रोलॉजिकल पोजिशंस, तो अच्छा है। आगे आप लोग के लिए द व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, द कार्ड ऑफ गुड लक। सो ऑफकोर्स कोई काम करने जाओगे तो लक साथ देगा, आप लोग की हेल्थ में भी सुधार आएगा, और ऑल ओवर चीज़ों में एक इम्प्रूवमेंट बनी हुई मुझे दिख रही है, जो कि अच्छी बात है। जो भी क्लाउड्स थे, बाधाएं थी, प्रॉब्लम्स थी, वो हटेंगी, काम आपके जल्दी बनेंगे। देखो वीक की शुरुआत में थोड़ा बहुत रिलेशनशिप की हीलिंग, रिकन्सिलेशन होने में समय लग सकता है, लेकिन इस वीक में हो ज़रूर जाएगा। वीक का भले एंड हो जाए, लेकिन हो जाएगा ज़रूर। थोड़े से मूड स्विंग्स आपके रह सकते हैं, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, इरिटेशन रह सकती है, बट थ्रू द टाइम वो भी ठीक हो जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ मुझे हल्के फुल्के मूड स्विंग्स आप लोगों के लिए दिख रहे हैं, ये देखा जा रहा है। आगे के और मैसेजेस भी जान लेते हैं क्या रहे आप लोगों के लिए।
ओके सो वर्गोज, यहाँ पर एंजल मैसेजेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इस वीक में आपको जो आपके आसपास लोग जेलस होते हैं उनसे दूर रहिएगा। कोई ना कोई, बहुत से वर्गोज ये भी एक्सपीरियंस करेंगे कि उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी चल रही थी तो वो नेगेटिविटी एंड होते होते एक पॉजिटिव रूप लेके और एक पॉजिटिव सिचुएशन में जा सकते हो। अभी जैसे ऊपर वाले की मर्ज़ी वैसे वर्कआउट हो पाएगा। फॉर सम ऐसा होगा कि भैया वो दोस्ती, वो रिलेशनशिप, वो सिचुएशन, वो कनेक्शन एंड हो रहा है और एक आप एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे। वो जैसा भी रूप ले, जो भी सिचुएशन, अगर आपको लग रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में टॉक्सिक है, नहीं जम रहा है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं, तो गिव इट सम ब्रेक, थोड़ा ब्रेक दीजिएगा, देन डिसाइड कीजिएगा इसमें क्या करना है। इस वीक में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस के आप लोग के लिए कार्ड्स हैं। आई थिंक वर्गोस मोस्टली आपके लिए पेशेंस के कार्ड्स आते ही हैं। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि एंड ऑफ द वीक में कुछ बातों को लेके आपके मन में एंजाइटी, चिंता, परेशानी रह सकती है कि भैया अब नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है, कब होगा। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि ये सिर्फ आपकी मन की चिंताएं होंगी, इन रियलिटी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में फ्यूचर में नहीं होने वाली है। तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा वोगोस, अगर आपको कोई भी फ्यूचर की चिंता सता रही है कि भाई कैसे होगा, कब होगा, अगर होगा तो क्या हम इसे मैनेज कर पाएंगे, क्या हम इसे फेस कर पाएंगे, ये सारे अगर विचार आ रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा एंड पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। आई नो कई बार ओवर थिंकिंग ऐसी होती कि कंट्रोल में नहीं आती है, बट सम वॉट ट्राई योर बेस्ट कि अपना ध्यान डाइवर्ट करना और उन थॉट्स को बिलीव मत करना कि वो सच्चे हैं। ठीक है, जितना हो सके पॉजिटिव रहिएगा, आप लोगों के लिए अच्छा माना जाएगा ये वीक में। ऑलमोस्ट करियर, गुड लक, उन सारे सेक्टर से काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, सो यूटिलाइज दैट और फ्यूचर की चिंता को छोड़ दीजिएगा, आज में रहिएगा, अच्छा माना जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वर्गोस, थैंक यू।